हुई सभी 35 राउंड में डिंपल यादव आगे। डिंपल यादव इस वक्त 1,06,448 वोटों से आगे चल रही हैं। और आप जब तस्वीरें भी देख लीजिए किस तरह से समाजवादी पार्टी खेमे में हलचल देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव साथ साथ नजर आ रहे हैं। कितने दूर, कितने पास और क्या रहेंगे नतीजे, इन तमाम सवालों के जवाब में तस्वीरें सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी खेमे में हलचल। दरअसल खतौली की बात करें, रामपुर की बात करें या फिर मैनपुरी की बात करें, इन तीनों ही जगहों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ बढ़त बनाई हुई है बल्कि जीतती हुई भी दिखाई दे रही है। जो इस वक्त मार्जिन दिखाई दे रहा है पहले और दूसरे प्रतिद्वंदी के बीच, एक तरफ मैनपुरी। और क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़, आजम खान का गढ़ माना जाता रहा है। और क्या समाजवादी पार्टी अपनी खोई हुई साख को वापस पाने में कामयाब रही है? ये नतीजे जो फिलहाल रुझान में दिखाई दे रहे हैं जब सामने आएंगे, क्या संकेत देंगे, क्या संदेश देंगे, इसको लेकर राजनीतिक दल आपको क्या बताएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के मायने ये हैं कि जिस तरह से मैनपुरी में, रामपुर में, खतौली में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और एसपी अरल्डी का गठबंधन आगे चल रहा है, उसके बाद समाजवादी पार्टी खेमे में हलचल बढ़ गई है। चाचा भतीजे की जोड़ी का कमाल या समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर, मुलायम के गढ़ के तौर पर जनता ने दिया है आशीर्वाद, ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर आने वाले दिन में चर्चा हो सकती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त समाजवादी पार्टी खेमे में हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, खुशी की लहर है। गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ता झूम रहे हैं, हिमाचल में कांग्रेस में हलचल है, वो जीत की तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के रुझानों में समाजवादी पार्टी उत्साहित नजर आ रही है। मैं सबसे बात करूंगी, एक 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 थोड़ा सा वक्त दीजिए आप, थोड़ा सा मैं सबसे सबके लिए बात मैं सबसे बात करूंगी, एक 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 थोड़ा सा वक्त दीजिए आप, थोड़ा सा मैं सबसे सबके लिए बात मैं सबसे बात करूंगी, एक 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 थोड़ा सा वक्त दीजिए आप, थोड़ा सा मैं सबसे सबके लिए बात मैं सबसे बात करूंगी, एक 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 थोड़ा सा वक्त दीजिए आप, थोड़ा सा वक्त दीजिए फिर वो बात करेंगी। दरअसल अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें डिंपल यादव की जीत लगभग तय मानी जा रही है, बस आधिकारिक घोषणा की बात है। फिलहाल गुजरात में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सुनवाते हैं। जो सब सोच समझ कर वोट करती है, अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती है, उन्होंने उनको उनके सभी टिकटें कैंसिल करवा दी। मुझे विश्वास है कि गुजरात की जनता के आशीर्वाद से गुजरात में एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के डबल इंजन वाली भाजपा का सरकार गुजरात में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। गुजरात के युवा, महिला, किसान एवं यू समाज के मतदाताओं को गुजरात के हित और गुजरात के सातत्यपूर्ण विकास के लिए गुजरात और राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पुनः एक बार दृढ़ विश्वास रखा है। इस भरोसे को बनाए रखना, इस भरोसे को और मजबूत करना यह हमारी जिम्मेदारी है। सत्ता प्राप्ति के बाद सत्ता को माध्यम बनाकर लोगों की सेवा और कल्याण करने की परंपरा भाजपा एवं भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि निभाएंगे, ऐसा विश्वास हम गुजरात के करोड़ों मतदाता भाई बहनों को देते हैं। उन्हें एक बार सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ में सरकार की मुख्यमंत्री की शपथ विधि का समारोह 12 दिसंबर को 2 बजे गांधीनगर विधानसभा के पीछे
हेलीपैड ग्राउंड पर होगा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी उस शपथ विधि में शरीक होंगे और हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब भी उसमें शरीक होंगे। आप सबके माध्यम से मैं फिर से गुजरात के सभी मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। आपके माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी के शुभेच्छक एवं कार्यकर्ता उन सबका भी नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूँ। आप सबकी शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था रिकॉर्ड बनाने का, आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 रिकॉर्ड एक साथ बनाए हैं। सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने सिलेक्शन में बनाया है, सबसे ज्यादा वोट शेयर उसका भी रिकॉर्ड बना है और सबसे ज्यादा लीड के साथ जीतने वाले सबसे ज्यादा कैंडिडेट उसका भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मैं ये पूरे इलेक्शन के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सहयोग रहा उसी के वजह से हम हमारी बात लोगों तक पहुंचा पाए और लोगों की जो बात थी उनकी जो अपेक्षा थी वो भी हमें जानने के लिए सुविधा हुई। इसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय जय गरीब गुजरात, भारत माता की। सबको मेरा नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के साथ ही हम सबके नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता यह चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता ने यह मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया है। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। गुजरात की जनता के इस जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्वों को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया है। झूठा प्रलोभन देकर जनता को ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया, क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए। इस चुनाव में जीत के लिए भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को जितना धन्यवाद और बधाई दी जाए वो कम है। भाजपा की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, पूरी लगन और संकल्प है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जन सेवा के लिए भाजपा का प्रमुख सिपाही बना है, न किसी पद प्रतिष्ठा या लाभ के लिए। भाजपा के इस जनाधार को
श्री नरेंद्र भाई से हमारे समर्पित नेतृत्व ने बनाया है और इसे बचाए रखना अब हमारा कर्तव्य है। भाजपा का ध्येय जनता का विश्वास बनाए रखना है। हमारा संकल्प जन कल्याण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल जी और अब वैश्विक नेता श्री नरेंद्र भाई के पद चिन्हों पर चलकर सेवा ही साधना हमारा मंत्र है। इस चुनाव में हमारी जीत का एक कारण हमारे लोकप्रिय और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र भाई और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का निरंतर मार्गदर्शन भी है। वे एक बड़ी खबर मैनपुरी में डिंपल यादव बड़ी जीत की ओर और आपसे कुछ ही देर पहले उनसे सवाल जब किया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों से बात करूंगी, कुछ देर का इंतजार कीजिए। इस बयान के मायने इस बात से निकाले जा सकते हैं कि डिंपल यादव अभी आधिकारिक रूप से फाइनल रिजल्ट आने का इंतजार कर रही हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, तमाम अभिनंदन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें सफाई की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त तमाम कार्यकर्ता जो है आप देख सकते हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई देगी और लगातार जो है एक एक करके तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरा तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं कि एक एक करके कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो ये तस्वीरें फिलहाल जो है सफाई की तस्वीरें हैं और यहाँ पर फिलहाल जो है ये कहा जा सकता है कि अभी यहाँ पर जो है कुछ देर अखिलेश यादव रुकेंगे, उसके बाद यहाँ सीधे अपने आवाज़ जाएंगे, वहाँ पर तमाम परिवार के लोग मौजूद हैं और उसके बाद जब रिजल्ट पूरा आ जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि अखिलेश यादव जो है मीडिया से बातचीत भी करें। जी, हमारे सहयोगी विशाल मौके पर मौजूद और बता रहे हैं किस तरह से इस वक्त समाजवादी पार्टी खेमे में हलचल देखने को मिल रही है और लगातार जानकारी देते हुए कि कब कौन आ रहा है, क्या कुछ होगा। दरअसल मैनपुरी और रामपुर से जब तक रुझान सामने आए हैं, खतौली में भी एसपी और आरएलडी ने जो बढ़त हासिल की है उसके बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में उत्साह देखने को मिल रहा है, नारे भी लग रहे हैं और डिंपल यादव भी अपने घर से मुस्कुराते हुए निकली, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोली, सिर्फ इतना कहा इंतज़ार कीजिए, बात ज़रूर करूँगी। तो अभी फाइनल रिजल्ट आने बाकी हैं लेकिन अब तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें डिंपल यादव की जीत लगभग पक्की है, सिर्फ आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। दूसरी तरफ रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार से। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। है कि गुजरात आज शासन और विकास के सभी मानकों पर देश में अग्रणी है। अब इस विकास यात्रा को और तेज गति देने हैं। इस संकल्प पत्र में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सैचुरेशन 100% लाभार्थी तक पहुंचने का जो विचार दिया है उसे आने वाले दिनों में चरितार्थ करने का पूरा रोडमैप है। गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत एपीएमसी, किसान मंडिया, वर्गीकरण, ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन, वेयरहाउस, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स आदि के आधुनिकरण पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये हमारा संकल्प है। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा गुजरात में सुजलाम सुफलाम, शाउनी, लिफ्ट इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, डीप इरिगेशन और अन्य तरीकों के माध्यम से कृषि सिंचाई के मौजूद नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। ये भी हमारा संकल्प है। पशुधन के व्यापक देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए गौशाला में 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का निर्माण और प्रत्येक पशु की टीकाकरण बीमा की व्यवस्था की जाए। हम देश का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क को शुरू करेंगे और फिशरीज सेक्टर के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा दिए गए नए भारत के निर्माण में हमारा संकल्प है कि अगले 5 वर्ष में युवाओं के लिए 20 लाख रोजगार का सृजन किया जाए।
देश में पहली बार 3000 किलोमीटर लंबी और पूरे गुजरात को कवर करने वाली 4 से 6 लेन की परिक्रमा पथ हमारी नई सरकार बनाए। हमारा यह संकल्प पत्र 2022 गुजरात को आदरणीय नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन और अधिक ऊंचाइयों को ले जाने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जो लोग वंचित है, दूरवंशित इलाकों में रहते हैं, ऐसे गरीब परिवार अब हमारे प्रयासों के केंद्र में होने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया। उनके इस सूत्र को हम चरितार्थ करेंगे। आइए हम श्री नरेंद्र मोदी की मेहनत को सार्थक करें। आइए हम सब मिलकर भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करें। अगले 25 साल देश और राज्य के लिए अमृत काल है, जब देश आजादी को 100 साल मना रहा होगा और श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विकास का नया इतिहास बनेगा, तो इसकी शुरुआत। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।